हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और आज उड़ीसा में है माणावसा गुरुवार का पूजा। ये उड़ीसा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये लास्ट वाला गुरुवार का पूजा है। ये पूजा बहुत सुबह सुबह किया जाता है। ये यहाँ पे मेरी मम्मी सुबह 3:30 बजे ये पूजा कर रही थी घर के बाहर। और ये करीब सुबह 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है और हमारे गांव में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सबके घरों के बाहर दिए जल रहे हैं। पूजा कर लिया है और उसके बाद घर के बाहर पूजा होने के बाद ये घर के पीछे पूजा किया था। ये अल्पोना वही है जो मैं कल बना रही थी। घर के पीछे पीछे पूजा होने के बाद ये घर के अंदर। घर के अंदर और बाहर पूजा होने के बाद हम गए अपने गार्डन में, जहाँ पर बेलपत्र और जो आंवला का पेड़ था उसके नीचे पूजा करने के लिए। अगर किसी ने मेरे गार्डन टूर वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना। अब पूजा ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे शुरू हो गया है तैयारी प्रसाद बनाने की। और यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ये है मोंडा। उड़ीसा में इसको मोंडा बोलते हैं। उड़ीसा का एक बहुत फेमस डिश है ये। हालांकि रेसिपी मैं किसी चीज़ का शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज इतना कुछ बनता है, अगर सबकी रेसिपी शेयर करने बैठ गई तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद ये है काकरा। ये एक स्वीट डिश होता है। ये जो बाहर का जो लेयर है वो सूजी का है और अंदर जो स्टफिंग हो रही है वो है ग्रेटेड कोकोनट का। ये भी उड़ीसा का एक बहुत फेमस डिश है। उन सब के अंदर स्टफिंग करने के बाद ये जो मोंडा होता है वो तो स्टीम हो जाता है और बाकी ये जो है वो फ्राई होते हैं। यहाँ पे ककड़ा फ्राई हो रहा है। और ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं मुग्गो बड़ा। ओडिया में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसका जो है अंदर का जो स्टफिंग रहता है वो मूंग दाल का रहता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे डिशेस जो भी प्रसाद में लगने हैं वो सब प्रिपेयर हो चुके हैं। और क्या क्या डिशेस बने थे मैं आपको पूजा के बाद दिखाऊंगी वो सब कुछ। और यहाँ पे हो रहा है पूजा। कल जो वो मैं मानो डेकोरेट कर रही थी वो यहीं पे रखा गया, उन्हीं की पूजा हो रही है यहाँ पे। उनके अंदर कुछ चावल भर के रख दिया जाता है।
और यहाँ पे हमारा पूजा भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, प्रसाद भी लग चुका है और अब देखते हैं क्या क्या बना था। ये है काकरा जो फ्राई कर रहे थे, उसके साइड में है बड़ा और ये है मुगा बड़ा जो मूंग दाल के स्टफिंग वाला था वो, और ये मोंडा है जो मैं बना रही थी उसको स्टीम करने के बाद, ये पुलाव और उसके बाद ये इसमें है जो केला होता है, केले का फ्राई है और जो साइड में छोटा वाला है ये वाला, ये है केले के स्टेम का फ्राई होता है और ये यहाँ पे प्लेन राइस। और उसके बाद ये है साग और ये है हलवा और ये है मिक्स्ड वेज और ये एक सब्जी है और इसमें है दाल और लास्ट में ये है मटर पनीर और ये है, इसको ओडिया में और तेलुगु में तो गारी बोलते हैं पर शायद इसको वड़ा भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और ये है जो कल रात को मैं बना रही थी, आज सुबह यहाँ पे पूजा हो गया है। बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।